हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, थोड़े टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था या मैं कॉल्स भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, क्योंकि गाइस मुझे वायरल हो गया था और उसकी वजह से मैं ज़्यादातर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पा रहा था। पर अब मैं थोड़ा सही महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए। सो हम देख रहे हैं कि दो तीन दिन से मार्केट पे किस तरीके से काम हो रहा है। मार्केट हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है और हम नए लोज बनाते हुए जा रहे हैं। हम हर दिन देख रहे हैं कि नए लोज बन रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट अब नीचे जा रही है। मैंने, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी 3 अक्टूबर वाली, जब मैंने आपको बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कि किस तरीके से एक सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो मार्केट कितनी नीचे जा सकती है। जिस दिन हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने लगभग लगभग 800 पॉइंट या 900 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया था और बैंक निफ्टी भी 11,100 तक आ गई थी, तो वो लेवल कैसे हमें पता चला था कि 3 अक्टूबर को ये हमें पता चल गया था, वो भी हम चार्ट्स पे एक बार बैंक निफ्टी निफ्टी की दोबारा स्टडी करेंगे। उससे पहले हम बढ़ते हैं कि 5 स्टॉक्स जो आप वेडनेसडे के मार्केट पे यानी कि 9 अक्टूबर को आप ट्रेड करके कर चल सकते हैं, क्योंकि कल 8 अक्टूबर को मार्केट बंद रहेगी दशहरा के चक्कर में। अब बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स की तरफ, जिसपे है बर्जर पेंट्स, मारुति, जी इंटरटेनमेंट, HBPCL और टाइटन। ये 5 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं। 5 स्टॉक्स में जी इंटरटेनमेंट सबसे पहले है, जिसको आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि जी इंटरटेनमेंट इस साल 500 के लेवल से सीधा 200 के लेवल तक आ गया। 200 के लेवल से अब ये इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 250 है, जो कि हमने देखा था कि इसने कल ही 200 का लेवल टेस्ट करा भी था। अब ये 50 रुपये की जो इसने मूवमेंट दी है आज के अंदर, ये अब अपने दोबारा एक रेजिस्टेंस की तरफ आ गया है और वहाँ पर अब हम दोबारा एक सेल ऑफ देख सकते हैं, क्योंकि ये कि वीक काउंटर है और ये ज़्यादातर न्यूज़ के बिहाव पे ही ट्रेड करता है, तो इसे ऊपर के तरीके से अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और जिस लेवल पे इसने क्लोज दिया है उस लेवल के 5-6 रुपये ऊपर इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। 251 इसका करंट मार्केट प्राइस है, 256-257 क्लोजिंग बेसिस के अंदर मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि ये जिस तरीके से आज बढ़ा है तो शायद कल खुले या परसों, जब भी मार्केट ओपन होगी, जब मार्केट खुले तो ये थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाए, तो जब आपको ये डिप दे तो बाय करिए, शॉर्ट करिए। 256 का करंट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। 247-239 तक के टारगेट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शायद और लोअर लेवल्स भी ये दिखा सकता है। पर गाइस, अगर ये 256 या 260 के ऊपर, मैक्स टू मैक्स अगर हम मान के चले 260 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, और अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर ही बनती है, तो हमारे लिए ये एक रिवर्सल हो सकता है। और जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सब हम देख रहे थे कि एक रेंज थी, उस रेंज को अपर साइड पे तोड़ के ये चला गया है और वहाँ से अब हम एक दोबारा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पर लगभग अभी के लिए अगर हम चार्ट्स की स्टडी करें हर टाइम फ्रेम पे, तो ये एक शॉर्ट का इनिशिएट ही दिखा रहा है। तो जी इंटरटेनमेंट शॉर्ट साइड पर, BPCL भी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। इसमें एक बियरिश पैटर्न बना है गाइज, बियरिश पियर्सिंग पैटर्न होता है जैसे हम कहते हैं। आपको, अगर आप मेरा investing.com पे आर्टिकल्स को फॉलो करते रहे होंगे तो, और यूट्यूब पे भी मैंने आप लोगों को निफ्टी पे एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना था, मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। उसी तरीके से आप BPCL और अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स पे और भी बियरिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया, और उसका जो कन्फर्मेशन थी वो आज कन्फर्मेशन दे दी गैप डाउन ओपनिंग और जो प्रीवियस कैंडल थे उसके नीचे। तो अगर ये आपको कल एक अपसाइड देता है तो वो अपसाइड BPCL के लिए एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ से हम एक लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो 490 इसका CMP है, 494-495 के आसपास मेरे शॉर्ट करिए। 506 इम्पॉर्टेंट लेवल है, 506 का करंट मार्केट प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 482-476 तक के टारगेट्स भी हम एक्सपेक्ट करके देख सकते हैं। टाइटन की अगर हम बात करें तो गाइस, टाइटन एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे ट्रेड कर रहा था, पर बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो हमने देखा था, जो नीचे की तरफ हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और वो फ्राइडे के सेशन पे आ गया था, पर जिस तरीके से आज हमने टाइटन पे मूवमेंट देखी तो टाइटन का जो हाई था वो गाइस हाई उस जो फ्लैग था, उस फ्लैग का सपोर्ट जो ले रहा था उस वही रेजिस्टेंस बन गया था। तो गाइस अब हमें टाइटन का जो हाई है उस हाई पे एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पे एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें उसको, हाई को दोबारा और फिर नीचे आए, तो क्लोजिंग बेसिस पे 1269 को आप स्टॉप लॉस के तरीके से मेंटेन करिए। और मुझे लगता है कि इसका जो एक लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है 1251-1244 का लेवल टाइटन के अंदर, स्टॉप लॉस आपको 1259 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
मारुति मारुति में एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ, पर अगर गाइज ये इस वीक के अंदर, ये जो अब हमारा ये जो वीकली स्टार्ट हुआ है, अगर इस हफ्ते के अंदर ये 65-70 के नीचे चले जाता है, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको करंट स्टॉप लॉस बताया, अगर ये 65-70 के नीचे इस वीक के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ से हम 6100 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से कम 400 पॉइंट तक की करेक्शन और दिखा सकते हैं। तो अभी एक कॉन्ट्रा बाय आपके लिए तभी लिया जा रहा है क्योंकि पूरा वीक बाकी है, तो मुझे लगता है कि एक दोबारा एक अपसाइड दिखा सकता है। तो गाइज 6220 का CMP है, 6570 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, 6695 6730 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रा बाय के दौर पर मैं लेकर चल रहा हूँ। पर बाय द वे अगर ये इसके नीचे जाता है तो गाइज वो एक शॉर्ट कैंडिडेट और एक बहुत वीक कैंडिडेट बन जाएगा। बर्जर पेंट्स, ये भी मेरा एक कॉन्ट्रा सेल है। कॉन्ट्रा सेल इन द सेंस ये है कि अगर इसने भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है बुलिश, और साइड बाय साइड जो एक पो फ्लैग है उस फ्लैग के अंदर इसने एक पर्टिकुलरली बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया। सो गाइज बियरिश हेड एंड शोल्डर का जो राइट साइड का शोल्डर है उसका टॉप आज बर्जर पेंट्स ने कंप्लीट करा है, और अगर ये कल मार्केट पे गिरना शुरू होता है तो जो मिनिमम गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बर्जर पेंट्स के अंदर 10 रुपये तक की गिरावट मिनिमम आ सकती है। सो 438 इसका CMP है, 448 यानी कि जो इसका हेड है, अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करें तो वो 448 450 के लेवल्स पे है। तो उस हाई को यानी कि 10 रुपये का अगर आप एक रिस्क लेके बर्जर पेंट्स पे शॉर्ट इनिशिएट करते हैं, और अगर वो 425 का लेवल को ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस के अंदर कल, तो वहां पर हम जो एक डाउन साइड देख सकते हैं वो डाउन साइड हमें 390 तक भी लेकर जा सकती है। सो 10 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रिस्की में मेंटेन करना है, 10 से 15 रुपये का, और वहां से आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 40 से 50 रुपये तक की एक अप डाउन साइड मेंटेन करके रख सकते हैं। पर अगर आप 450 के ऊपर ही क्लोज करता है या 450 के ऊपर ट्रेड करता है और क्लोज हो जाता है, तो गाइज वहां पर हेड एंड शोल्डर जो बियरिश फ्लैग है, बियरिश हेड एंड शोल्डर है, उसका पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा, और जो बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है उसका जो रेंज है उस रेंज का ब्रेकआउट दे देगा। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मारुति और बोजो पेंट्स पे बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आपको दोबारा बता देता हूँ, 450 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसके जो टारगेट्स होंगे 490 तक भी हो सकते हैं, 40 रुपये ऊपर। अगर ये 420 या 425 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो वहाँ से 30 से 40 पॉइंट तक के लेवल्स भी और ये दिखा सकता है। तो ये सारे पांच स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में देखते हैं कि किस तरीके से काम होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की तरीके से, तो निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना। गाइस आप देख रहे होंगे कि दो ट्रेंड लाइंस मैंने बना रखी है, जिस तरीके से आपको पता है ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी और एक अपर साइड में थी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। बहुत पहले मैं आपको ये बना के दिखा चुका हूँ, और ये रेंज भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कि क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर काम करने लग गई, यानी मार्केट एक हम कह सकते हैं कि एक मेजर्ड मूव बनाने लग गई है, बुलिश मेजर्ड मूव इसे कहलाते हैं, और मेजर्ड मूव का इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। आप देख सकते हैं फ्राइडे के सेशन पर हमने एक लार्ज ब्रेकडाउन देखा था, एक कैंडल की क्लोजिंग उसके अंदर देखी थी नीचे, और नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को जब मार्केट ट्रेड हुई हल्का सा हमने एक अपसाइड देखा, और अपसाइड देखने के बाद दोबारा जो प्रीवियस कैंडल थी उसके नीचे गई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है गाइस कि जो सपोर्ट का काम कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर साइड हमने देखा कि इसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल ग्रीन लाइन थी जिसके नीचे जाके आज के ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा है कि क्लोजिंग मिली है। गाइस क्लोजिंग मिली है क्योंकि ये जो क्लोजिंग है, अब जो वेडनेसडे को जब मार्केट ट्रेड होगी तो वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें देखना क्या है कि अगर मंडे को मार्केट ये इसके ऊपर निकलती है 11,160 के ऊपर, अगर मार्केट निकलती है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन करती है, ट्रेड करती है इसके ऊपर, तब हम कह सकते हैं कि शायद अब यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए और रिवर्सल इसे 11,300 तक ले जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा रिवर्सल, सॉरी रिवर्सल अगर मैंने आपसे कहा, बस एक ये मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है, और वहां से मोमेंटम जो दे सकता है वो 100 से 150 पॉइंट तक की दे सकता है, और दोबारा हम एक वहां पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब जो मार्केट है वो मार्केट हो गई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पास्ट फ्यू डेज से देख रहे हैं कि मार्केट जो हो गई है वो हो गई है, हमें हायर लेवल पे शॉर्ट करके ज्यादा पैसा मिल रहा है।
आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब हमें शॉर्ट पोजीशन कब इनिशिएट करनी है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट पोजीशन तब इनिशिएट करनी है जब ये 11,070 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है। नोट करिए 11,070 का लेवल अगर ये तोड़े तो वहाँ पर हमारी जो डाउनसाइड है वो गाइस डाउनसाइड मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,700 और 11,000 का लेवल, यानी कि लगभग हम 300 पॉइंट्स यानी कि 150 का अगर हम डिफरेंस करें, तो अगर ये 11,070 का लेवल तोड़ती है तो वहाँ से हम 10,880 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या 10,900 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बात आपको गौर रखनी होगी। और अगर ये आपको 11,180 के ऊपर मिलता है, 11,180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 11,300 का। इसके ऊपर मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा, इसके नीचे मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा। अगर इसके नीचे जाता है एक ही टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो एक टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको मैं दोबारा बता देता हूँ क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ तोड़े तो ये सपोर्ट है हमारा स्टॉप लॉस होगा, ऊपर की तरफ जाता है तो भी हमारा यही सपोर्ट स्टॉप लॉस होगा। तो निफ्टी पे अभी मैंने आपको इतना ही बताना था। अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी सेम तरीके का पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन ये दिख रही है वो पर्टिकुलरली ये बैंक निफ्टी के लिए ये ग्रीन लाइन है जो एक रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में मोमेंटम आई। रेंज के अंदर हमने देखा था कि थर्सडे के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी और अगले दिन जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई तो हमने देखा कि इस रेंज को तोड़ दिया। और आज जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया एग्जैक्ट हाई डेली चार्ट में 50 डे का मूविंग एवरेज का, इसने रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आ गया। और दोबारा नीचे आने के बाद हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है एग्जैक्ट क्लोजिंग उसकी भी वही हुई है बैंक निफ्टी के लगभग उसी टाइम फ्रेम पे हुई है। तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अब हमारा जो टारगेट है वो हमारा बैंक निफ्टी में जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट आ रहा है लगभग टू लगभग 27,200 का टारगेट, और सॉरी 27,400 का टारगेट पहला टारगेट है, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे लिए शॉर्ट है, मैं इस पर आपको बाय का टारगेट नहीं देने वाला। बैंक निफ्टी मेरे लिए शॉर्ट है, आपको इसको कब शॉर्ट करना है जब ये आपको 27,700 या 27,670 का लेवल, प्लीज नोट करिए 27,670 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े, शॉर्ट इनिशिएट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 27,400 एंड अ लास्ट टारगेट इज 27,000। अल्टीमेट टारगेट जो हमारा है वो अल्टीमेट टारगेट यही होगा कि जहां से इसने स्टार्ट करी थी मूवमेंट और जहां कंसोलिडेट कर रहा था उसी लेवल पे दोबारा आ जाएगा। अब आपको मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों के आपको एक्सपेक्टेशंस बता दिए कि किस तरीके से क्या ट्रेड हो रहे हैं। मैकडी की बात करें तो मैकडी पे भी क्रॉसओवर आ चुका है, बियरिश क्रॉसओवर आ चुका है, पर जो एक पर्टिकुलर रेंज है अगर हम इस लाइन की बात करें इस लाइन के नीचे नहीं गया तो अभी भी एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इस पर्टिकुलरली लाइन के नीचे चले जाता है, अगर आप देख रहे हैं 75 पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये जीरो हो जाता है और या नेगेटिव पे चला जाता है तो मार्केट की जो डाउनसाइड है वो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आ सकती है और वो हम देखना नहीं चाहते। तो आपको एक शॉर्ट पे मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। टाइटन जो मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट है, कैसे शॉर्ट है मैंने आपको बताया था, बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ब्रेक करा था फ्राइडे के सेशन पे, मंडे के सेशन पे आज हमने देखा था तो उसी को हाई बनाया और अब हम देख सकते हैं दोबारा गिरावट क्रॉसओवर मैकडी पे भी आने वाला है। मारुति की बात करें तो मारुति पे मैंने आपको एक कॉन्ट्रा बाय पोजीशन दिया, मैंने आपको बताया कि ये अगर जैसे ही 25,070 का लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,480 होगा, जो आपको मैंने अपनी वीडियो पे भी दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर लोअर लेवल्स हो सकते हैं जो कि इस लेवल तक भी टेस्ट कर सकता है। बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है बियरिश पियर्सिंग पैटर्न, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है बहुत बुलिश कैंडल है, अगली जो कैंडल बनती है वो अगली कैंडल बनती है बियरिश पर। बियरिश किस तरीके से बनती है, पहले ये ऊपर खुलता है, आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग है, ऊपर खुलता है पर आखिरी में नीचे एंडअप होता है। और एंडअप कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें सिग्नल कैसे अच्छे से प्रोवाइड कराएगा। जो प्रीवियस बुलिश कैंडल है उसका 50% जो कि लेवल है 50% पे जाके इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। और जो अगली कैंडल बननी चाहिए वो अगली कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और नीचे ही बंद होनी चाहिए उसके। सो अब आप देख सकते हैं
कि क्या हुआ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ही आया, गैप डाउन ओपनिंग आज हमें देखने को मिली। अब हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है ये शॉर्ट के लिए। बोजो पेंट्स की बात करें तो बोजो पेंट्स आप देख सकते हैं ऊपर गया, अपने फ्लैग के अंदर काम कर रहा है, बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है साइड बाई साइड। ये इसने एक रेंज बनाई है, रेंज के लिए भी मैं आपको एक दिखा दे सकता हूँ कि ये इसने बुलिश बियरिश हेड एंड शोल्डर कैसे बनाया है, ये देख सकते हैं आप। ये इसने आज अपना सेकंड शोल्डर राइट शोल्डर का अपना हायर साइड का टारगेट कंप्लीट कर लिया। अगर अब ये कल नीचे आता है तो सीधा यहाँ से ये 420 पहुँच जाएगा, जो कि 435 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसे तोड़ता है तो हम यहाँ से डाउन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ इसे लेकर आ सकती है। झील की बात करें तो झील पर भी आप देख सकते हैं कि आप देखिए गाइस कि यहाँ से जो इसने गिरावट दिखाई, गिरावट इसने इस लेवल तक दिखाई, उसके बाद हमने एक बाउंस देखा, दोबारा एक गिरावट दिखाई और फिर ब्रेक कर दिया। तो इसमें एक मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा, तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक करा, आप देख सकते हैं इस लेवल को इसने इंट्राडे सेशन में ब्रेक करा और कितनी तेजी से हमने एक गिरावट देखी। हमने जैसे ही देखा कि इसने 250 के लेवल को ब्रेक करा, एग्जैक्ट 200 के लेवल पर चला गया, 50 रुपये की गिरावट देखी। अगले दिन ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसी पर ये रेजिस्टेंस फेस करा, अगले दिन रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा और अब दोबारा एक डाउन साइड हम देख सकते हैं। तो ये चार चीज़ें भी मैंने आपको स्टॉक्स स्पेसिफिक मैंने आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर दी है। और गाइज ये मैंने अपना आपको 5 स्टॉक्स भी बता दिए साइड बाय साइड, मैंने आपको सारी चीज़ें एनालिसिस करके बता दिए 9th of October के लिए। और आपको मैंने एक, अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉबेबली अगर गाइज थोड़े वायरल बढ़ जाता है तो शायद मैं वेडनेसडे को भी वीडियो नहीं बना पाऊँ। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेड डीलर्स यानी कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको सारी अपडेट्स देते रहा हूँ, या फिर ट्विटर हैंडल पे मैं आपको सारी अपडेट्स देते रहा हूँ। सो गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको ट्रेड डीलर्स का यानी कि आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक और साइड बाय साइड आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जाके मुझे हर जगह से फॉलो कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको यूट्यूब के थ्रू नहीं प्रोवाइड करा पाया, वीडियो के थ्रू नहीं करवा पाया, तो गाइज मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात गाइज कि मेरा 9th of October से मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है ट्रेडिंग प्रोवाइड, जो मैं आपको पता है कि जो मैं आपको पेड कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। सो आपको पता होगा कि आपने, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था कि मेरा बैच 1 कंप्लीट हो चुका था। सो गाइज ये बैच 2 मैंने दशहरा ऑफर जो है उसके लिए मैंने बैच 2 ओपन करा है, और बैच 2 ओपन मेरा जो 9th of October तक लिया, 15 सीट्स हैं जो कि अवेलेबल थी, और अब उसमें से 11 सीट्स बुक हो चुकी हैं, जिसमें से अब 4 सीट्स ही सिर्फ बची है। सो जो गाइज इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप की मिल जाएंगी। और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते वो मेल या कमेंट सेक्शन के थ्रू भी मुझे मेल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई सून एज पॉसिबल कर दूंगा। 4 सीट्स बुक हैं, जो सबसे पहले आके बुक कर जाए गाइज उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वो इस ऑफर को अच्छे से ले पाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी गाइज तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को फैला दीजिए गाइज। और जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर मुझे बताइए या मुझे ट्वीट करिए गाइज मेरे ट्विटर पे कि हाँ आप जो वीडियोस बनाते हैं गाइज हमें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छे से प्रोवाइड होती है। जो भी पैटर्न्स आपको या रेंज आपको या ट्रेंड लाइन्स आपको सिखाई जाती है, ये चीज़ें आपको बेनिफिशियल लगती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइज और फॉलो करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ ज़रूर करिए गाइज। मैं शिवांश बसीन, मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।